असलम जी इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने इस वेक्टर को ट्रेस किया था यूजिंग अ कैलीग्राफिक ब्रश और इस लेसन में हम मुख्तलफ और ब्रशेज़ की टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं तो लेट्स हैव अ लुक ऑन एट ठीक है जी आ, यहाँ पे इस फाइल को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं एक और आर्टबोर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ठीक है जी और यहाँ पे आके ब्रशेस की कुछ और टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं ठीक है तो मैं विंडोज़ में जा रहा हूँ और यहाँ से जाके मैं ब्रशेस के पैनल को ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो ब्रश क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से स्टार टूल की थोड़ी सी हेल्प लूँगा एक हम स्टार बनाते हैं इसको एक फिल असाइन करते हैं ठीक है हम लोग बेसिक चीज़ें डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे आ, ब्रशेस की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनको समझा जाए कि मुख्तलिफ टाइप्स क्या करती हैं और उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या मतलब है ठीक है तो इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल को हम जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और वहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है जो कि ब्रशेज़ uh, हमारे uh, काम आ सकते हैं सो वी विल डेफिनेटली यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस तो जो सूटेबल टाइप होगी हम उसको यूज़ करेंगे तो ब्रशेस को अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको uh, आज थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ब्रशेस से क्या कुछ किया जा सकता है तो मैंने यहाँ पर एक स्टार को ड्रॉ किया और आ, अच्छा पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें तो जब हम न्यू ब्रश क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे कैलीग्राफिक जो ब्रश है आ, वो इलस्ट्रेटर ने हमें ऑप्शंस दी थी कि आप किस तरह का ब्रश क्रिएट करना चाहते हैं ठीक है लेकिन आज जो हम ब्रश क्रिएट कर रहे हैं वो हम एक शेप से क्रिएट करें तो मैंने एक स्टार को ड्रा किया मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ और इसके बाद जो आपको बाकी दो ऑप्शन ग्रे आ, कलर में नज़र आ रही थी वो भी उसने वाइट कर दी हैं इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं सो आज हम स्कैटर ब्रश को देखते हैं इस लेसन के अंदर तो स्कैटर ब्रश पे मैंने क्लिक किया ठीक है जी तो यहाँ पे उस ब्रश का नाम दे सकते हैं उसके बाद ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं ठीक है जी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं स्पेसिंग क्या रखना चाहते हैं तो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है थोड़ी सी चेंज है एज़ कम्पेयर टू द कैलीग्राफिक ब्रश सो इनको देखते हैं अभी उसके बाद कलराइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है इसकी तरफ हम वापस आते हैं ठीक है तो पहले हम स्कैटर ब्रश को देखते हैं तो मैं यहाँ पे भी कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी कस्टम स्कैटर ब्रश ठीक है और इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे ब्रशेज़ वाले पैनल के अंदर जो ब्रश हमने क्रिएट किए तो ये वो सारे ब्रशेज़ हैं जो स्कैटर ब्रश की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो हमने क्योंकि स्कैटर ब्रश एक क्रिएट की है तो इसने स्कैटर ब्रश वाली कैटेगरी में हमारे उस स्टार को ऐड कर दिए ठीक है तो हम यहाँ से एक पाथ को ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें आइडिया है कि जो स्कैटर ब्रश है वो एक पाथ पे ही ड्रॉ किया जाता है तो हम पहले एक पाथ को क्रिएट करते हैं और उसके बाद सिंपल उस पाथ की सिलेक्शन करके अपने ब्रश पे क्लिक करते हैं ठीक है तो सो यू कैन सी कि हमारे जो इस वक्त स्टार्स हैं वो उसने पाथ पे कैसे उनको डिस्प्ले किया तो अब स्कैटर का क्या मतलब है स्कैटर का मतलब है बिखरा हुआ तो इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं और फिर अपने पाथ पे इसको अप्लाई करते हैं तो दोबारा अगर आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसी स्टार पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं ठीक है फ़िलहाल जो इसकी स्कैटरनेस है ये फिक्स्ड की जगह हम इसको रेंडम कर लेते हैं ठीक है हम कहते हैं जी इसकी जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इसमें आ जाएगी ठीक है सिर्फ स्कैटर को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं ठीक है एक पाथ को ड्रॉ करते हैं दोबारा से और उसके ऊपर इस ब्रश को अप्लाई करते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाथ है वो ये पाथ है लेकिन इस पर जो हमारे स्टार्स प्लेस थे फॉर एग्जांपल ये स्टार यहाँ पे पॉसिबल हो सकता था ये स्टार यहाँ पे हो सकता था उसने कितना ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया उनको अपनी एक्चुअल पोजिशन से ठीक है सो दिस इज़ एक्चुअली वॉट द स्कैटर मीन्स कि वो उनको कितना बिखेर देगा उनको कितना स्कैटर कर देगा उनको अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर देगा तो आपकी सेटिंग्स के अंदर जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ज़्यादा आपको स्कैटरनेस उनमें नज़र आएगी जैसे आप यहाँ पे एक लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं तो जितनी कम वैरायटी आप रखेंगे उतने कम स्टार्स हमारे यहाँ पर स्कैटर होंगे ठीक है अगर आप इनको बिल्कुल ज़ीरो पर ले आते हैं तो उतनी कम स्कैटरनेस इसके अंदर आएगी अभी भी बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं गया सो देर इज़ माइनस थ्री एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो ठीक है तो वो बिल्कुल एक लाइन पे आ जाएंगे अगर मैं सिर्फ़ इसको मूव करूं इस वाली पोजीशन को इसे स्टार जो एक्चुअल पाथ है उससे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और अगर मैं इस पोजीशन को मूव करता हूं तो इससे जो स्टार हैं वो उस पाथ की इन साइड मूव करें लेकिन उनको उनको वो स्कैटर भी कर रहा है साथ साथ ठीक है तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके बाद अगर हम एक और चीज़ को देखते हैं साइज़ को कि साइज़ में कितनी वेरिएशन हो अभी तक जितने भी स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको सेम साइज़ में नज़र आ रहे हैं उनके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है तो अगर आपको साइज में इसके साइज़ में भी वेराइटी चाहिए तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर साइज़ को स्मॉल कर रहा है और यहाँ पे कुछ स्टार्स के साइज़ को बड़ा कर देगा तो अगर आपको आ, जो वेरिएशन है वो बड़े स्टार में ज़्यादा चाहिए तो आप इस स्केल को मूव कर सकते हैं अगर आपको छोटे स्टार्स में ज़्यादा वेरिएशन चाहिए तो आप इसको मूव कर सकते हैं इसके बाद स्पेसिंग है अगर आप ज़्यादा इनको और मज़ीद बघेरना चाहते हैं स्पेसिंग बिटवीन द स्टार्स तो इसको भी हम रैंडमाइज कर सकते हैं ठीक है तो उनकी जो स्पेसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस हो गई है उसके बाद रोटेशन है अभी जो स्टार्स हैं वो एक ख़ास एंगल के ऊपर हैं तो अगर आप इनको डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट भी करवाना चाहते हैं एक ज़्यादा वैरायटी के साथ तो आप ये काम भी कर सकते हैं ठीक है जी तो ये हमारे पास हो गई इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसके बाद आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं किसी भी स्ट्रोक uh, के थ्रू अपने स्कैटर ब्रश को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं ठीक है जी सो so, ये हमारे पास स्कैटर ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं टेंट्स एंड शेड्स को जो कलराइजेशन है ब्रशेज के अंदर ठीक है जी मैंने इस स्केयर को ड्रॉ किया ब्लैक और इसको मैं ऐड कर देता हूँ एज़ अ स्केटर ब्रश ठीक है बाकी सारे कुछ इसका फिक्स्ड है हम सिर्फ कलराइजेशन को देखेंगे और यहाँ पर जो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं अब मेथड्स में अगर आपने नन किया हुआ है इसका मतलब है कि आपके ब्रश का जो ओरिजिनल कलर है वही कलर हमें हमेशा अप्लाई होगा जब भी आप किसी नए स्ट्रोक पे अप्लाई करते हैं ठीक है तो ओरिजिनल कलर आपका अगर ब्लैक है तो आप कोई भी स्ट्रोक के ऊपर इस ब्रश को अप्लाई करते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल ठीक है इसको यहाँ पे ऐसा स्कैटर ब्रश ऐड करते हैं इसको जो उसके जो मेथड है उसको नन करते हैं राइट right? और इसको अप्लाई करते हैं जो एक सर्कल के ऊपर तो जो ओरिजिनल कलर था आपके ब्रश का जब आपने इसका जो कलराइजेशन मेथड है उसको नन रखेंगे तो हमेशा वो ब्लैक ही अप्लाई करेगा ठीक है मैं यहाँ से कलर चेंज करके देखता हूँ और देखते हैं वो उसको चेंज करता है या नहीं ठीक है तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं उसके स्ट्रोक के कलर को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो उस पर अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि उसका जो मैथड है वो बाई डिफॉल्ट नन है सही है तो जो मेथड है ये जब भी आप ब्रश क्रिएट कर रहे होते हैं और अगर आपने मेथड उसका नन रखा हुआ है सो so जो उसका डिफॉल्ट कलर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है जी इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ह्यू शिफ्ट को और उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं ठीक है जी ओके चलें इसी को एडिट कर लेते हैं यहाँ से मैं इसकी ह्यू शिफ्ट करता हूँ ओके okay जी ह्यू शिफ्ट करते हुए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और ब्रश क्रिएट करके दिखाता हूँ दोबारा से हम रेक्टेंगल टूल को लेते हैं ठीक है इसको रोटेट करते हैं इसके साथ एक और टूल यहाँ पे प्लेस करते हैं और एक यहाँ पे प्लेस करते हैं ठीक है इसका कलर डिफरेंट रख लेते हैं इसका कलर डिफरेंट रख लेते हैं और इसका कलर जोन सा है वो ऑरेंज है ठीक है और इसको हम ऐड कर लेते हैं एज अ स्कैटर ब्रश और जब हम यहाँ से मेथड को चेंज कर रहे हैं, तो मेथड को चेंज करते वक्त तो मैं ह्यू शिफ्ट कर रहा हूँ सो ह्यू शिफ्ट में द की कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इस वक्त जो की कलर है दैट इज़ ग्रीन तो हमारे इस वक्त जितने भी कलर्स हमने यूज़ किए हैं उसमें जो ग्रीन कलर है वो हमारा इस वक्त की कलर है की कलर का मतलब ये है कि मैं यहाँ से अपने जो फिल और स्ट्रोक है यहाँ से सपोज़ मैं कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ से उसको कहता हूँ कि मुझे पर्पल कलर दे दो ठीक है तो आपके स्ट्रोक में आपके आपने ये जो डिफ़रेंट कलर्स असाइन किए इसमें सिर्फ़ पर्पल कलर असाइन होगा ग्रीन को क्योंकि आपने की कलर ग्रीन सेलेक्ट किया है अगर मैं की कलर ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ और फिर आप यहाँ से पर्पल असाइन करते हैं अपने स्ट्रोक को तो इन कलर्स में से सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज को पर्पल असाइन होगा बाकी दोनों को डिफरेंट कलर्स असाइन होंगे ठीक है तो की कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज को की कलर असाइन कर देते हैं ये हमारे पास यू शिफ्ट है और उसको हम कर देते हैं ओके okay. ठीक है जी और अच्छा बाकी आप दोनों को कौन से कलर्स असाइन होंगे यहाँ पे एक गूगल क्रोम पे आते हैं और यहाँ से आके अपनी एक इमेज को कॉपी कर लेते हैं ठीक है तो ये हमारे पास एक कलर व्हील है तो कलर व्हील ह्यू शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर सपोज़ हमने यहाँ पे जैसा कि आपको ये ब्रश में नज़र आ रहा है एक हमारे पास है ग्रीन तो ग्रीन की ह्यू जो शिफ्ट होगी वो सपोज़ अगर ये वाला ग्रीन है तो उसको बिल्कुल ऑपोजिट कलर वो असाइन करेगा दैट इज़ आल्सो पर्पल ठीक है और यहाँ पे जो ब्लू है इसकी ह्यू शिफ्ट होगी तो इसको एक ऑपोजिट कलर वो असाइन करेगा दैट इज़ ऑरेंज या मे बी दैट इज़ रेड ठीक है वो जो भी सूटेबल है इस कलर के लिहाज से तो बाकी दोनों कलर्स की ह्यू शिफ्ट होगी इस आ, कलर व्हील के मुताबिक और ये जो हमने की कलर सेलेक्ट किया है इसको वो कलर असाइन होगा जो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ठीक है जी तो वापस आते हैं और यहाँ पे आके अपना एक स्ट्रोक बनाते हैं और यहाँ से हम लोग करते हैं जी पर्पल और ब्रशेस में से जाके इस पर अप्लाई करते हैं ठीक है तो हमारा जो की कलर था दैट वाज ऑरेंज और ऑरेंज को उसने असाइन कर दिया पर्पल और जो ग्रीन था उसको उसने साइन कर दिया ऑरेंज मे बी दिस काइंड ऑफ अ ग्रीन और यू कैन इमेजिन कि इसमें सारे कलर्स नहीं हैं तो थोड़ा सा आप जैसे ब्लू ग्रीन्स है तो इसके सामने ये रेड्स और ऑरेंज साइन कर दिया और इसके अलावा ये जो हमारे पास इसमें ब्लू था ब्लू को उसने साइन कर दिया ग्रीन तो मे बी दिस काइंड ऑफ अ ब्लू इट वाज तो उसने ये वाला ग्रीन उसको साइन कर दिया ठीक है सो दिस इज़ हाउ Uh, ये उनको कलर्स असाइन करता है और उनकी जो शिफ्ट है जो ह्यू है उसको शिफ्ट करता है सही जो अपोजिट कलर्स होते हैं उसके ऊपर उन कलर्स को वो चूज़ करता है सो दिस इज हाउ द ह्यू शिफ्ट वर्क्स? ठीक है दोबारा से अपने ब्रशेज में आते हैं और यहाँ से आके ट्स एंड शेड्स को देखते हैं ठीक है ओके टेंट्स एंड शेड्स के लिए हम यहाँ से इसके मेथड को चेंज कर लेते हैं सो इसमें की कलर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आप की कलर कोई भी चूज़ कर लें दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो मैं टेंट्स को सेलेक्ट कर रहा कराऊँ ठीक है और यहाँ से आप जो भी कलर चूज़ करेंगे वो उसकी टेंट्स को अप्लाई करेगा ठीक है टेंट्स इज़ एक्चुअली मैं आपको दोबारा यहाँ से बताता हूँ सो दिस इज़ एक्चुअली द टेंट अगर सपोज मैं पर्पल चूज़ करता हूँ तो ये उसके टेंट्स कलर्स हैं ठीक है दैट आर मूविंग टूवर्ड्स वाइट और शेड्स क्या होते हैं अगर मैं इसको मज़ीद डार्क करता जाऊँ इसी कलर को तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो वो उसके शेड्स होंगे पीछे वाली साइड पर और ये जो आगे वाइट्स की तरफ जा रहा है ये इसके टेंट्स हैं ठीक है जी तो मैं यहाँ पर जो भी कलर सेलेक्ट करूँगा ये उसके टेंट्स अप्लाई कर देगा इन तीनों कलर्स के ऊपर तो हम यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसको ये वाला ब्रश साइन करते हैं ठीक है तो जो हमारा ओरिजिनल कलर था वो है जी बिल्कुल आउटसाइड पे, और उसके बाद उससे लाइटर कलर और उससे लाइटर कलर ठीक है और ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से जाके टेंट्स एंड शेड्स यूज़ करते हैं और इसको स्ट्रोक पे अप्लाई करते हैं तो हमारा ओरिजिनल कलर है जी दरमियान में उसका लाइटर वर्जन है इनसाइड और उसका डार्क वर्जन है टुवर्ड्स आउटसाइड सही तो आप लोग कुछ इस तरह से डिफरेंट जो कलरज़ेशन मेथड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं आ, अगर आप कोई ब्रश किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और वो एक डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि ये कलर्स किस तरह से साइन कर रहा है तो जस्ट गो इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ दैट आर्ट ब्रश उसकी ऑप्शंस को देखें उसके कलर कलरइजेशन मेथड को देखें तो वहाँ से जाके आपको अंदाज़ा होगा कि ये कलर आपके साथ क्या कर रहा है ठीक है जी सो so, इसके साथ थोड़ा सा प्ले करके देखें टेंट्स एंड शेड्स ये जो मेथड्स uh, हैं उनको समझने की कोशिश करें और स्केटर ब्रश में आप क्या क्या कुछ बना सकते हैं uh, जो जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं सो ओपन योर इलस्ट्रेटर लेट्स मेक अ स्ट्रोक कस्टम ब्रशेज बनाएँ और उन ब्रशेज़ को अपने स्ट्रोक्स पे ऐड करें सही इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच